देश के 15वें राष्ट्रपति के नाम का इंतजार अब खत्म हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत चुकी हैं, जिसके बाद उनके समर्थकों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। देश को नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन समारोह दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां के माहौल को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि समर्थकों में खुशी की लहर किस प्रकार से दौड़ रही है। आइए देखते हैं ग्राउंड से खबर टुडे न्यूज की खास रिपोर्ट। इस समय हम दिल्ली में प्रदेश कार्यालय जो बीजेपी का यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनके जश्न की तैयारियों के लिए देश की राष्ट्रपति जो है वो बन चुकी है यहाँ पर भारत की, और उनके जश्न की तैयारियां पूरे रोड पर देख सकते हैं कि दोनों तरफ से पुलिस बैरिकेडिंग से रोड बंद किया हुआ है। देश के कोने कोने से आकर कलाकार यहाँ लगातार जो है अपने अपने नृत्य की चीजें दिखा रहे हैं, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से देश के कोने कोने से लोग आकर के यहाँ पर कलाकृतियां दिखा रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो इधर की तरफ भी दिखाए, लगातार यहाँ पर ढांचे बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आप इस तरफ देखिए कि पूरी की पूरी झांकियां यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर किस तरह से लोग देश के कोने कोने से आए हैं, और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर जो है कलाकार मौजूद है, और लगातार यहाँ पर जो जश्न है वो किस तरह से मनाया जा रहा है तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे से मौजूद हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम आप बताइए कहाँ से आए? हम विष्णु गार्डन चांद विष्णु गार्डन से आ रहे हैं, जौहरी गार्डन विधानसभा से। मैम आपको यहाँ पे आज कैसा लग रहा है इसे मॉल? बहुत ही अच्छा, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला फिर से राष्ट्रपति बनी है मोदी जी के नेतृत्व में। आज हम बहुत ही खुश हैं कि एक आदिवासी महिला जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो हमारी राष्ट्रपति बनी है। महिला होने के नाते हम सभी महिलाएं बसें भर भर के आ रहे हैं उनकी खुशी का इजहार करने के लिए, उनकी खुशी में शामिल होने के लिए, क्योंकि एक द्रौपदी मुर्मू ऐसी महिला है जो एक सिंपल परिवार से आई है। जैसे मोदी जी स्टेशन पर चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री के पद पर पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ऐसे ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और महिलाओं में बहुत ही खुशी का माहौल है। आज का दिन बहुत ही खास है, इस खास दिन को और खास बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आज एक महिला को ऐसा सम्मान देने के लिए आज सभी महिलाओं को गर्व महसूस हो रहा है कि एक आदिवासी महिला आज हमारी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो उसी के चलते आज पश्चिमी जिला महिला मोर्चा की तरफ से एक बस यहां पर लेकर आई गई है, और सभी बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज खुशी का उत्साह से सभी बहनों में बहुत उत्साह है। आज के दिन को खास बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अपनी राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय हिंद जय मैं जनक सेठी प्रधानमंत्री जी का इतना स्वागत करती हूँ कि उन्होंने ऋषियों की परंपरा को ऊपर उठाया है। हमारे देश में जो पहले ऋषि लोग औरतों की पूजा करते थे, औरतों को महान मानते थे, गायत्री की सेवा करते थे, उन्होंने ऊपर उठाकर आप सब लोग कहाँ से आए हैं? आप सब लोग कहाँ से आए? गार्डन रजौरी गार्डन से आए हैं, और हम सब बहुत ही खुश हैं आज कि हमारी देश की में एक महिला राष्ट्रपति घोषित की जा रही हैं, और हम सब बहनें उनके साथ हैं और उनका सहयोग करती हैं, और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम उनके साथ हैं कि उन्होंने हमारी बहन को मौका दिया, हम सब उनके साथ हैं। जय हिंद जय भारत। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से पूरा बैंड बाजे के साथ में लोग आए हुए अपने परिवार के साथ में, और यहाँ पर लगातार नाच गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि भारत का इसका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो महामहिम है वो मिल चुकी है, और उनके अभिनंदन की तैयारी जश्न की तैयारी यहाँ पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरफ से पूरा बैंड यहाँ पर मौजूद है, और देश के कोने कोने से अलग अलग झलकियां यहाँ पर आपको देखने की मिलेंगी। पूरा रोड बंद कर दिया गया, पूरे जश्न की तैयारी है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वह इधर की तरफ भी दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पर पूरा जश्न का माहौल है, और जश्न लोग मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आस पास से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद है, और किस तरह से यह पूरा रोड यह भगवान हो गया है, और यहाँ पर पूरे जश्न की तैयारी है, किस तरह से यहाँ पर जश्न मना रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम यहाँ पर
पर मौजूद है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा रोड भगवा में हो चुका है, गुब्बारे लगाए गए हैं और यहाँ पर पूरी तरह से देश के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो भी बीजेपी के झंडे के साथ मौजूद है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पीछे की तरफ जो पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर अभिनंदन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो नव निर्वाचित माननीय राष्ट्रपति जी है उनका यहाँ पर सम्मान समारोह है। और यह पीछे की तरफ ही, ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदेश बीजेपी का जो ऑफिस है वो भी यहीं पर मौजूद है और यहाँ पर पूरी तरह से लोग जश्न की तैयारियों में डूबे हुए हैं। लगातार जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी मौजूद है कि किसी तरह की कोई भी अगर घटना होने वाली हो उस पर काबू पाया जा सके। यहाँ पर पूरी तरह से जो है जश्न का माहौल है, पूरी तरह से ये पूरा प्रोग्राम हम आपको खबर टुडे न्यूज पर दिखाते रहेंगे। दिल्ली से कपिल चौधरी, खबर टुडे न्यूज़।